क्वाड्रेटिक फार्मूला एग्जाम्पल, दी गई क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का क्वाड्रेटिक फार्मूला की मदद से रूट्स मालूम करना, अगर ये मौजूद हो तो। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है? अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर हो जीरो के, जहां ए बराबर ना हो जीरो के, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला की मदद से रूट्स मालूम किए जा सकते हैं। ये ऐसा नज़र आता है। आइए अब पहली इक्वेशन को देखते हैं। इसे स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करने के बाद हम पहले ए, बी और सी की वैल्यूज़ लिखेंगे। हमें ए की वैल्यू 3, बी की -5 और सी की -2 हासिल होगी। इस मुसावात का रूट निकालने के लिए हमें सिर्फ इन वैल्यूज़ को क्वाड्रेटिक फार्मूला में तब्दील करना है। इससे हमें ये हासिल होगा, हमने ए की वैल्यू को 3, बी की वैल्यू को -5 और सी की वैल्यू को -2 से तब्दील किया है। अब हमें सिर्फ इसे मजीद हल करना है। तो क्या अब आप मुझे इक्वेशन के दो रूट्स बता सकते हैं? दो रूट्स x बराबर है 5 + 7/6 के और 5 - 7/6 के। जिससे हमें 2 और -1/3 रूट्स हासिल होते हैं। ये ऊपर दी गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स हैं। ये दोनों वैल्यूज ऊपर दी गई इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी। इसका मतलब ये है कि x की वैल्यू को इनमें से किसी से तब्दील करने पर हमें बाईं तरफ वाली साइड 0 हासिल होगी। इस फार्मूला का इस्तेमाल इंतहाई आसान है। इसे याद रखना शायद मुश्किल है, लेकिन मुझे यकीन है कि प्रैक्टिस करके आप इस फार्मूला को अच्छे से जान जाएंगे।